फीडबैक मिल रहा है, 4 सीट बिहार से भी है भाई, 4 की 4 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। और जिस तरीके से एनडीए का कैडर में उत्साह देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री जी के नाम पर, स्वाभाविक है कि आज की तारीख में देश में अगर कोई एक कैडर एक्साइटेड है तो वो प्रधानमंत्री जी का ही कैडर है, एनडीए का ही कैडर है, जो विभिन्न तरीके की योजनाओं से लाभार्थित है। गरीब कल्याण की ऐसी योजना जिसपे उनका विश्वास है कि यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने करोड़ों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला और बाकी कई करोड़ों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाएगा, तो ऐसे में वो कैडर एक्साइटेड होकर बाहर निकला है। बिहार में मत प्रतिशत घटने का कारण एक बहुत बड़ा ये रहा कि जिस तरीके से विपक्ष के कैडर को अपनी हार पर ज्यादा विश्वास है, जिस तरीके से वो मानते हैं कि हमारे बाहर निकलने के बाद भी हमारा प्रत्याशी नहीं जीतने वाला है, तो ये कारण बड़ा रहा जिस तरीके से बिहार में मत प्रतिशत थोड़ा कम रहा, क्योंकि विपक्ष के कैडर में और उसमें उनका आधार कैडर भी जो है उसमें भी उदासीनता देखने को मिली। एक तो विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि भैया हम लोग वोट किसके लिए हम लोग करने जा रहे हैं। उस गठबंधन के इंडिया अलायंस महागठबंधन जो भी आप बोलिए, उनके घटक के कई बड़े नेता उन्होंने बिहार आना तक जरूरी नहीं समझा। नाउ गिव मी अ रीजन ना कि भाई क्यों कांग्रेस का कैडर औरंगाबाद में एक्साइट रहेगा या गया में रहेगा या जमुई में रहेगा या नवादा में रहेगा, क्यों एक्साइटेड रहेगा? उसने अपने किसी बड़े नेता को मंच पे देखा ही नहीं, बड़े राष्ट्रीय तो छोड़ दीजिए प्रदेश के नेता को नहीं देखा। ऐसे में वाम दलों का कैडर क्यों एक्साइटेड रहेगा, क्यों वो बाहर निकलेगा? तो ऐसे में ये उदासीनता एंड इंक्लूडिंग राजद का कैडर से वही बाहर निकला जो गाली गलौज करता है, वही बाहर निकला जो लोगों के साथ मारपीट करता है, जिस तरीके से जमुई में मारपीट की गई, जिस तरीके से मेरे परिवार को गाली दी गई, तो वो लोग जिनको लाठी में तेल पिलाने की आदत है वो लोग लठैत लेकर जरूर बाहर निकलने का काम किया। बट ऐसे सभ्य लोग जिनको अब ये विश्वास था कि भाई भले हम लोग विपक्ष के साथ हैं बट विपक्ष इस बार जीतने नहीं जा रहा, वो लोग घर से बाहर नहीं निकले। बिहार आ रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसका बिहार में? उनके आने से उनकी पार्टी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो एक राज्य में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और वैसे भी जिस तरीके से पूरे एक फेस को उन्होंने इग्नोर किया है, ये गलत है भाई। आप मतलब बिहार को क्या मतलब एज अ सेकेंडरी प्लान मतलब क्या आप लेकर चल रहे हैं? एक पूरा फेज निकल गया और आप बिहार आपने आना आपने जरूरी तक नहीं समझा। क्या बिहार की जनता को ये दिख नहीं रहा कि आप कैसे बिहार को इग्नोर कर आप चल रहे हैं? तो ऐसे में मुझे नहीं लगता उनके आने से कोई भी फर्क पड़ने। प्राइम मिनिस्टर के 400 पार के टारगेट को डे वन फ्लॉप शो बता दिया है। उन्होंने फ्लॉप शो बताते बताते खुद की अंतरात्मा की आवाज भी सुना दी है। प्लीज सुनाइएगा किस ईमानदारी से मेरे छोटे भाई इस बात को कबूल रहे हैं कि पहले फेज की 4 सीटें वो हारने जा रहे हैं। बिकॉज वॉर रूम में यही चर्चा हुई होगी, जब वो लोग वॉर रूम में बैठे होंगे तो यही फीडबैक उनको मिला होगा और वही सुनते सुनते उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो गया होगा। तो ऐसे में मुखौटा तो पहनना ही है, 14 में भी आपने पहना था ये दिखाते हुए 40 की 40 जीत रहे हैं, क्या हुआ? 19 में तो आपका दल खाता तक नहीं खोल पाया।